लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब से ये दुनिया आलमे वजूद में आई है, जब से संसार की रचना हुई, तब से लेकर अब तक आत्मविश्वास से ये चक्र चल रहा है। हमें राह दिखाने वाले पुराण और इतिहास हैं। ये वक्त गुजारने के लिए लिखी गई नॉवेल नहीं, इंसानों के लिए आत्मविश्वास और सही राह दिखाने के लिए लिखी गई हैं। पुराण में कृष्ण जब गोकुल में पल रहे थे, उस समय कंस ने कालिंग नाम के राक्षस को भेजा। वो राक्षस कालिया सांप के भेष में यमुना नदी के किनारे इंतजार कर रहा था और उसको पहचान लिया श्री कृष्ण ने और उसके सर पर तांडव करके उसे मार दिया। मरते समय इंसान का रूप धारण करके कालिंगन ने माफी मांगी, अपनी इच्छा अनुसार अपना वेश बदल सके ये वरदान मांगा। करुणा के सागर श्री कृष्ण ने उसको वरदान दे दिया। अपनी इच्छा से कभी भी किसी भी वक्त कोई भी रूप धारण करने वाले वरदान प्राप्त किए कालिंगन के वंश से आए हुए एक इच्छाधारी नागिन की ये कहानी है। Thank you.
भगवान की तरह आकर आपने मेरी रक्षा की है, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? वैसे चील सांप पर झपटता मैंने सुना है, आप तो इंसान हो, आपका पीछा क्यों कर रहा? ये मेरी किस्मत है। ये क्या बोल रहे हैं? अभी मेरी परिस्थिति बताने की नहीं है। आप कौन है, इस जंगल में क्या कर रहे हैं, यहीं रहते हैं क्या? आपके लिए जंगल जंगल है, लेकिन मेरे लिए जंगल स्वर्ग है। जंगल आपके लिए स्वर्ग है? हाँ जी, एक प्रेमी के लिए जहाँ उसकी प्रेमिका हो वो जगह उसके लिए स्वर्ग होती है, मैं उसे ही ढूंढने आया हूँ। अच्छा आप? मैं सांप के बारे में परीक्षण करने आया हूँ। परीक्षण? हाँ, मनुष्य का रूप धारण करने वाले इच्छाधारी सांप के बारे में किताब लिख रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, उसी की जानकारी हासिल करने यहाँ आया हूँ। इच्छाधारी सांप के बारे में आपको कोई जानकारी मिली क्या? हाँ, मैंने किताब में पढ़ा है कि एक सांप 100 साल से ज्यादा जिंदा रहता है और मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। सच है, लेकिन ऐसे इच्छाधारी सांप लाखों में एक ही होते हैं। 100 साल तपस्या करने के बाद उस सांप को वो शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए उसे इच्छाधारी सांप बोलते हैं। साधारण सांप देखना ही बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में ऐसा अदृश्य सांप कैसे देख सकते हैं बताओ? आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा। कल अमावस्या है, इस दिन इच्छाधारी नाग और नागिन का मिलन होता है। जो अब तक प्रेमी और प्रेमिका थे वो कल पति और पत्नी बन जाएंगे। सच में? हाँ, कल रात को नर नाग मादा को ढूंढते हुए आएगा। मादा नागिन मदहोश होकर नाचेगी और उस नाच के अंत में वो दोनों ही आपस में एक हो जाएंगे। ये बात है, क्या आप उस नाग को दिखा सकते हैं? मैं आपको वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो इच्छाधारी नाग मैं ही हूं। हाँ जी, आइए लीजिए ना। वैसे आप इतना लेट क्यों आए? वहाँ बैठिए आराम से। हेलो मैडम, हाउ आर यू, वेलकम। ओ, इतना बड़ा प्रेजेंट, क्या बात है। हाँ आइए सर। सर नमस्ते, सलाम। आई एम सलीम, सॉरी मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूँ, अपनी भाषा में नमस्ते बोल रहा हूँ। अरे तेरी शादी हो गई क्या? नहीं, अगले हफ्ते। क्या बात है, इतनी जल्दी जोड़ी को लेकर आ गए? ये मुंबई का स्टाइल है। कोई बात नहीं, जाइए आप, मुंबई में ऐसा होता है। आइए सर, वेलकम वेलकम। क्या सर हमेशा दो आते हैं, तीसरा कब आएगा? तीसरा मतलब छोटा बेबी। हाँ, भगवान ने आपको वरदान नहीं दिया क्या? पति मैं हूँ और बच्चे के लिए भगवान। अरे आते ही शुरू मत हो जाइए सर, आइए ना अंदर जाइए। अरे जाइए ना सर, आइए सर, वेलकम वेलकम, सब ठीक है ना? हेलो मॉर्निंग। ओहो, लड़कियों के फेवरेट हो, आखिर कब तक ऐसे कुंवारे रहोगे, शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी मेरा अच्छा वक्त शुरू हुआ है, ऐसी लड़की पटाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे, तुम बस देखना मेरा कमाल। वेरी गुड वेरी गुड, कैरी ऑन कैरी ऑन। नमस्ते मैडम। उषा कहाँ गए तेरे वो? अभी तो वो बहुत बिजी हैं। ऊपर से सबको नमस्कार तो कहना ही होगा ना, वो देखो वो आ गए। ओ आइए आइए, आपकी ही बात हो रही थी, बहुत लंबी उम्र है आपकी। हम तो सोच रहे थे कि आप नहीं आओगे। अरे ऐसे कैसे, मैं नहीं आता तो मेरा भाई छोड़ देता, पर जूली कैसे छोड़ेगी? वैसे इस तरह इनके फॉरेन जाने से पहले इनको मंगलसूत्र पहनाओगी या फिर नहीं? ऐसा है, तू भाभी से ही पूछ। ये फाइनल ईयर है ना, ये साल खत्म होते ही शादी, आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी। हाय जय, हाय, हेलो रवि, सलाम अलैकुम। सलाम। जूली जूली, अरे कहाँ चली गई, ना बेटी का पता है ना बाप का। मम्मी आज मेरा बर्थडे, मुझे ब्लेसिंग दीजिए। तुम्हारी मम्मी की ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेगी वो। आओ अंकल लोग हमारा वेट करेंगे, चलो। सॉरी फ्रेंड्स। हेलो जूली, हेलो, हैप्पी बर्थडे। क्या यार सबको बुला के खुद कहाँ गायब हो गए? जूली की मॉम के पास ब्लेसिंग लेने गया था। ठीक है, टाइम हो रहा है, कमन 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 कमन। अरे रुको एक मिनट, हम सब आ गए लेकिन कमल कहाँ पर है? वही तो कमल। हेलो हेलो लता। हेलो उषा, हाउ आर यू? फाइन। हेलो, कहाँ है आपके फ्यूचर हस्बैंड? उनको फॉरेस्ट में कुछ जरूरी काम है, लेटर भेजा है, हम फंक्शन शुरू करते हैं। हे कमन 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 जूली, कमन जूली।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Julie. तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुमने जो जोक मारा है ना उसे सुन के मुर्दे भी हंस पड़ेंगे। तो जोक किसे बोल रहा है? अरे वही सांप जब चाहे इंसान बन सकता है और वो जब चाहे इंसान से सांप बन सकता है। ये बात थी। ये कोई जोक है? तो प्लीज बिलीव मी। क्या फेंक रहा है यार कमल, हम लोग इस बात पे यकीन नहीं कर सकते। ये यकीन करने लायक ही नहीं। ए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। शायद इसने रात में सपने में देखा होगा। ठीक है, हंसना है तो हंस लो। जब गैलीलियो ने कहा था कि दुनिया गोल है तो इसी तरह लोग उस पर भी हंसे थे। आज भी खबर आती है कि मर्द औरत बन गई तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। ओहो प्लीज इसकी बातों पे यकीन कर लो, नहीं तो हम सबका दिमाग फट जाएगा। ठीक है यकीन कर लेते हैं। बिजनेस के नाते हम लोग इसके बिजनेस पार्टनर है, लेकिन इसके पागलपन के लिए नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ए जय, तू बता ना, ये लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। ए जा रहे, भगवान को देखते ही ये लोग हाथ जोड़ लेते हैं। ये लोग यकीन नहीं कर रहे हैं तो मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, फिर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ भाई। तू भले ही भगवान पे यकीन नहीं करता होगा लेकिन अपनी आंखों पर तो विश्वास करता है ना। मैं तुम्हें आज किसने शूट किया? मैंने शूट किया। क्यों शूट किया? अगर उसे शूट नहीं करता तो लड़की को डस लेता। ब्लडी इडियट, जिसको तुमने शूट किया वो सांप नहीं लड़की का प्रेमी है। What? मैंने खुद उसको इंसान के रूप में देखा है। अभी हमें क्या करना चाहिए? उस घायल सांप को ढूंढना होगा। वो कैसे? घायल सांप की आंखों में हमारी तस्वीर छप गई होगी। वो नागिन हमें देखेगी तो बदला जरूर लेगी। उसे किसी भी तरह ढूंढ कर जला कर राख करना होगा। कम ऑन कम ऑन, चलो 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 चलो। सब लोग सांप को ढूंढो, जल्दी आ जाओ। राजा, रानी, राजा, रानी, राजा। रानी, जिस रात का हम इंतजार कर रहे थे वो रात हमारी आखिरी रात हो गई। ऐसा मत बोलो राजा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं रानी, सब कुछ खत्म हो गया अब। राजा, जब भी तुम्हें गले लगाना चाहता था तुम हमेशा कहती थी जल्दबाजी मत करो। अब तुम्हें छोड़कर जाने के लिए मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ रानी। राजा, रानी दावत में बुलाकर तुम्हें जहर देकर तुम्हें विधवा बनाकर जा रहा हूँ मैं। मुझे 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 माफ माफ माफ। राजा, मुझे छोड़कर मत जाओ। राजा, राजा। जिंदगी जिस दिन शुरू हुई उसी दिन उसका अंत कर दिया। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम्हारा खून करने वाले उन पापियों की तस्वीर दिखाओ राजा, तस्वीर दिखाओ। Yeah!
जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे सिंदूर को मिटाने वाले को, हमारी खुशियां छीनने वालों को मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं कसम खाती हूँ। सांप नहीं मिला, पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए कमल, तेरी बात मान के हमने उसे इतना ढूंढा पर वो नहीं मिला, अब उसमें डरने की क्या बात है? जैसा तू बोल रहा है, सांप बदला लेता है, अगर ये सच होता तो सांप पकड़ने वाला कोई जिंदा ही नहीं बचता। अभी मजाक लग रहा है, लेकिन जब बीतेगी तब पता चलेगा। हाँ, तुमने बड़ा रिसर्च कर लिया। मरे हुए सांप को जिसने गोली मारी, उसकी आंखों में उसकी तस्वीर आ जाएगी और उस तस्वीर को देख के मादा सांप सलीम को ढूंढ के डस के मार देगी। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है। नॉनसेंस, यकीन नहीं करना है तो मत करो। जो सांप को दूध पिलाता है वो उसे भी डसता है। हमने तो पाप किया है, हमसे बदला वो जरूर लेगी। अरे ओ इडियट, अगर उसे बदला लेना होगा तो वो मुझसे बदला लेगी ना। मुझे कैसे अपने आप को बचाना है अच्छी तरह पता है। मेरे रिवॉल्वर में टोटल 6 गोली थी, 1 नाक को मारने में चली गई, 5 अब भी बची है। करेक्ट, 5 सर वाला अगर नाक भी आ जाए तो हम उसके हर सर को शूट कर सकते। कमल, शुरुआत इंसान से होती है और अंत भगवान से होता है कहा गया है, इसलिए सांप की मौत का जिम्मेदार सलीम नहीं है। कमल, जो हुआ उसके बारे में सोचकर क्यों परेशान होते हो? नहीं लता, गलती मेरी है। उस इच्छाधारी सांप ने मुझे कसम दी थी कि यह बात किसी को मत बताना, लेकिन मैं ये जानकारी दुनिया को बताने के चक्कर में उस लड़की के आंसुओं की वजह बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं? वो उसकी बदकिस्मती थी। सलीम की शादी में जाना है, चलो चेंज कर लो, हमें निकलना है। फरीदा, यह हंसी हमेशा तेरे चेहरे पर यूं ही रहे। लाइफ एंजॉय करने के लिए बच्चे देर से मत पैदा करना। फिर लक्ष्मी अपनी बेटी के लिए दूल्हा कहाँ से ढूंढेगी? हमारे पास आ जाइए। आप चलिए, मैं आता हूँ। लो, इसका नंबर आ गया। आगे की रसम। बर्खोदार तो दोस्तों के साथ मशहूर है। दोस्तों को भी समझ में आना चाहिए ना, अगर ऐसे बातें करते रहेंगे तो रसम कैसे पूरी होगी? लता, तेरा पति और उसके दोस्त गप्पे लड़ा रहे हैं। रिवाज के मुताबिक सलीम को फरीदा को उठा कर ले जाना है ना। चलो चलो, मैं भेजती हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, रुक तो, इतनी जल्दी भी क्या? जाने दे यार, जाने दे, आज इसका दिन है। अरे रात है इसकी। अच्छा हुआ कि इसने उसको उठा लिया। चलो बेटा। नहीं, हम लोग बिरयानी खा कर आते हैं। सब कुछ रेडी है, चलो। कमल, क्या हुआ? इनके कुछ रिवाज हैं। तुम सब सलीम के साथ बैठकर गप्पे मार रहे हो, बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो, सलीम तो कब का फरीदा के साथ सुहागरात मनाने चला गया। क्या? फरीदा को उठा कर ले गई, ये क्या बात हो गई? फरीदा हमारे साथ बैठकर बात कर रही है। तो फिर सलीम किसको? फरीदा तुम लोगों के साथ बात कर रही है? सच कह रही हूँ। सलीम जिसको उठाकर गया है वो फरीदा नहीं है, नागिन है। What nonsense, तू क्या बक रहा है? You fool, believe me, फरीदा यहाँ पर है। ऐसे वो लड़की सांप कैसे बन सकती है? अरे वो इच्छाधारी नागिन है, कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। We have to save him. Please, come on. Huh?
तुम? हाँ मैं। हमारे प्यार को मिटाने वाले को खत्म करने के लिए मैं किसी भी रूप में आ सकती हूँ। डर क्यों रहे हो? तुम्हारे रिवॉल्वर में 6 गोलियाँ थी, उसमें से 1 गोली से तुमने नाक को मार दिया, बाकी 5 गोलियाँ तो बची है ना? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मुझे नहीं मारना, प्लीज मुझे मत मारो। कितनी खुशी से जी रहे थे हम दोनों, बेरहमी से तुमने हमें अलग कर दिया, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं क्या कर सकती हूँ, शुरुआत तुमने की थी और अब अंत भगवान करेंगे। उस दिन तुम लोग मेरी बात पर हंस रहे थे, सावधानी रखने के लिए कहा तो मुझे बेवकूफ कहा। वो हमारा दोस्त जो भाई जैसा था, आज वो हमारे बीच में नहीं रहा, मर गया। अब तुम लोग सावधान रहना। ए कमल, नर नाग को मारने की वजह से मादा नाग ने सलीम को मार डाला, अब हम लोग इसमें क्या कर सकते भला? हमने गोली भले ही नहीं मारी लेकिन उसके पाप में बराबर भागीदार है। हेलो दीपा, हेलो दीपा, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। आज तुम्हारा डांस का प्रोग्राम 10 बजे का है, तो तुम ठीक 9 बजे तक तैयार हो जाना, ओके? ओके सर, थैंक यू। माँ आपने मुझे बुलाया? होटल पांडी से तुम्हारे लिए एक खत आया हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है, ले लो। ओके। हु इज द ब्यूटी? हेलो, कैन आई टॉक टू दीपा प्लीज? स्पीकिंग, आई एम रवि। अच्छा, आज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप मुझे भूली नहीं होंगी। भूलने वाली शक्ल थोड़ी ही है, आपके ही कॉल का इंतजार कर रही थी।
जानती थी आप जरूर करेंगे। ऐसा क्या? सच में आप मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, इसलिए मैंने अपना फोन नंबर सिर्फ आपको ही दिखाया। थैंक यू। तो फिर मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। यू वेलकम। माँ, क्या बात है बेटा? माँ जरा मैं बाहर जा रहा हूँ। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? अरे माँ वो है ना 444-5566। ये किसका नंबर है? कमल का नंबर है माँ। क्या कहा, कमल का नंबर? हाँ माँ, कमल ने मुझे जरूरी काम से बुलाया है। आप दरवाजा बंद कर लो, मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ ए रवि, घर लौटने में ज्यादा देर मत करना बेटा। ओके माँ। Yes? I'm Ravi. Come in. Thank you. बैठिए ना। Thanks. ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसी दावत मिलेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस दिन मैंने आंखों में देखा उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अगली दावत आपको ही देनी है। आपकी कीमत क्या है? आप हंस क्यों रही हैं? अगर मुझे पैसों की जरूरत होती तो ये तकिया और ये बिस्तर इतना साफ होता क्या? तो फिर मैं समझा नहीं। Because I like you. Hello, Deepa here. Sorry, I'm only a dancer, not a call girl. कौन है? है कोई इडियट। अच्छा कोई आएगा तो नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, कोई नहीं आएगा यहाँ। वैसे भी किसी के आने से पहले ही मैं आपको यहाँ से भेज दूंगी। दीपा, ए दीपा। डरिए मत, मेरी फ्रेंड्स है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? दीपा, हमने मूनलाइट में डांस का इंतजाम किया है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ओके? वो क्या है ना, टेंशन मत लो यार, बॉयफ्रेंड को भी लेकर आ जाना। आप क्या कहते हैं? ओके। रवि, हे रवि, रवि, हे। आओ बेटा। वो तो नहीं है। नहीं है? नहीं है। कहाँ गया? कल रात को गया था, कहा था जल्दी आ जाऊंगा पर अब तक नहीं लौटा। कहाँ गया होगा? बिजनेस के काम से तूने ही किसी से मिलने कहा था ऐसा कहकर गया है। मैंने बोला था? रवि आजकल बहुत बाहर घूमने लगा है, जल्दी से उसकी शादी करवा दीजिए तभी वो। अच्छा शगुन है, बेल बज रही है। हेलो, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ फ्रॉम होटल पांडियन। एक बुरी खबर है, मिस्टर रवि की यहाँ पर मौत हो गई है सर, तो प्लीज आप जल्दी से आ जाइए सर। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं अभी आता हूँ। रानी, तुम्हें खूबसूरत बनाने वाले उस ब्रह्मा ने मुझे तुम्हारे करीब आने से पाबंदी लगा दिया है। कितने दिनों तक मैं अपने अरमान को ऐसे ही सीने में दबा कर रखूंगा, मेरी इच्छा कब पूरी होगी? ये सिर्फ दूसरी अमावस्या तक ही है, अभी हम डर डर कर जी रहे हैं, उसके बाद बेखौफ जी सकते हैं, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। तुरंत इसका फैसला लेना होगा, ऐसे एक एक करके मरते रहेंगे तो कैसे चलेगा? पहले सलीम, उसके बाद रवि, अब पता नहीं अगला हम में से किसको मारेगी वो नागिन। श्री, हर एक मिनट, हर पल मौत के साए में जीने का डर मौत से भी भयानक है। विजय,
फांसी की सजा सुनने वाला कैदी अपनी मौत की तारीख याद करके जैसे डरता है, वो बदला लेने वाले सांप के बारे में सोचकर मैं भी उसी तरह से डर रहा हूं। विजय, मैं अपने आप को लेकर नहीं डर रहा हूं, उस बच्चे की मां नहीं है, अगर अगर बाप भी नहीं होगा तो। डोंट वरी, अब इसके बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को इस मुसीबत से बचाने के लिए भगवान ने एक देवता को भेजा है। कौन है वो देवता? मामूली आदमी नहीं है, बहुत शक्तिशाली इंसान है। हम उससे मिलेंगे तो सारी परेशानी खत्म। Is it? Yes. मैं उस राक्षस से बात कर सकता हूँ, हवा में भी चल सकता हूँ, लेकिन दूसरों के साथ विश्वासघात करने वाले और खुशहाल परिवार को उजाड़ने वाले के तरफ में मुड़ के भी नहीं देखता, उनके ऊपर रहम भी नहीं करता। स्वामी, नाग को मैं भगवान मानता हूँ, और उसे अगर कोई दुश्मन समझता है तो मैं उसके लिए कोई पछतावा नहीं करता। शराब का विमोचन है लेकिन पाप का कोई विमोचन नहीं है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। स्वामी जी, बड़ी आशा से आए हैं कि आप हम लोगों पर रहम करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। फसाद की जड़ मैं हूँ, उस साह में आकर अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अब उसके बदले में मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। इनको बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, आप एक सांप के ऊपर रहम कर सकते हो तो क्या इंसान के ऊपर रहम नहीं कर सकते? स्वामी जी, पुण्यों में सबसे बड़ा पुण्य वो होता है जो किसी इंसान की जान बचाता है। स्वामी जी, मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मैं अगर चला गया तो बिन माँ की बच्ची अनाथ हो जाएगी। स्वामी जी, आप कुछ कृपा कीजिए ना। hey, hey. हम आपके पैर पड़ते हैं स्वामी जी, पैर पड़ते हैं। जो तकदीर को मानते हैं वो हर जगह ऐसे ही झुक जाते हैं। काली, तुम्हारे भरोसे आए हुए इन लोगों को मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बचा रहा हूं। ये देखो, बहुत सालों तक मैंने जो तपस्या की है उसी का ये फल है। ये लो ताबीज, काली का ध्यान करके इसे अपने गले में बांध लो। उसके बाद ये सांप तो क्या, कोई भी सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी अप्पू कोटन, सॉरी मिस्टर अप्पू कोटन, इस ताबीज पर जो खुद पर यकीन नहीं करते उन्हें भरोसा हो सकता है, लेकिन मैं मंत्र शक्ति से ज्यादा मनुष्य शक्ति पर भरोसा करता हूँ। मनुष्य की शक्ति को बड़ा मानने वाला तू अपने दोस्त की जान को क्यों नहीं बचा पाया? अगर मुझे पता होता तो जरूर बचा लेता। देखता हूँ तू खुद अपनी मौत को रोक पाता है या नहीं। ए पुचंडी। गुरुदेव, ये अधर्मी पापी इंसान अपने आप को अकलमंद समझ रहा है, बोलता है मुसीबत आएगी तब भगवान को मानेगा। ले क्या उस मुसीबत गुरुदेव? गुरुदेव, ये लीजिए मुसीबत। गुरुदेव, इनमें से किसकी बारी है बताइए। मुंह बंद करो। अब तुम्हारी मनुष्य की शक्ति का क्या हुआ? देखा, आस्तिक को नास्तिक बनाना और नास्तिक को आस्तिक बनाना सब उस ऊपर वाले का खेल है। अपने को बड़ा मत समझ मूर्ख, उसके सामने तू बच्चा है। अब मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी। क्यों जी, गलती से यहाँ गाड़ी रोक दी क्या? मैं तो सुबह ही मंदिर आकर गई थी। लक्ष्मी, अभी मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ये कार मैंने अपने लिए रोकी है। एक नास्तिक अब आस्तिक बन चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ लक्ष्मी, अब मैं पुराना जय नहीं हूँ, भगवान है यह विश्वास करने वाला एक नया इंसान हूँ। सच में? भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलिए। देखा भगवान आपका स्वागत कैसे कर रहे हैं। अब मेरा रोम रोम शुद्ध हो गया है। लक्ष्मी, नास्तिक बनकर मैंने भगवान का कितना अपमान किया है, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? जरूर माफ करेंगे,
बिगड़ा हुआ बच्चा अगर सुधर जाए तो ये देखकर माँ को बहुत खुशी होती है। चलिए अंदर चलते हैं। रुकू, मार्केट जाकर हर प्रकार की सब्जी लेकर आ जाओ। क्यों, दुकान खोलने वाली हो क्या? चुप रहिए, आज सिर्फ हमारी शादी की सालगिरह नहीं है, आज आपका नया जन्मदिन है। मैं इसे धूमधाम से मनाऊंगी, आपके सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करके पार्टी देने वाली हूँ। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो गए? मेरे सारे फ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी देने की बात की तो मुझे रवि और सलीम की याद आ गई। उनके साथ जो हादसा हुआ है वो आपके साथ भी होगा, यही डर है ना? भगवान के सारे वरदान प्राप्त हैं स्वामी जी को, उनका दिया हुआ ताबीज जब तक आपके पास है आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सर टेलीग्राम। थैंक यू, चलता हूँ सर। क्या है जी? तुम्हारी माँ बीमार है, जल्दी जाना इसलिए टेलीग्राम भेजा है। कल जो खत आया था उसमें तो लिखा था कि मैं अच्छी हूँ। बीमारी बोलकर थोड़े ना आती है, उम्र हो गई है ना, कुछ भी हो सकता है। कल ऑफिस में डायरेक्टर्स मीटिंग है मेरी, तो मैं अकेली ही जाकर आती हूँ। दैट्स गुड, तुम अपना सामान पैक करो, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ। ओके गो। हवा बहुत तेज चल रही है, थोड़ी देर यहीं पे रुक जाते हैं। हाँ सही कह रहे हो। हे क्या हुआ? वहाँ देख, इतनी रात को लड़की जंगल में क्या कर रही है? तू रुक, मैं भी आता हूँ। अच्छा ठीक है। Thank you.
जब आप इस ड्रेस में चल रही थी तो जैसा लगा मेरी बीवी आ रही है। बैठिए ना। अच्छा आप कौन हैं? आपने बताया नहीं मुझे। वो मैं थोड़ा घबरा गई थी। ठंड लग रही है क्या? थोड़ी ब्रांडी पियेंगी? दवा समझ कर पियेंगी तो कुछ नहीं होगा। रुकिए मैं लाता हूं। ये लीजिए। आपके लिए? आप पीकर दे दीजिए। मुझे आपको शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तो मैं पीछे मुड़ जाता हूं। कमल ये क्या बदतमीजी है? बेवकूफ जरा उधर देख। वक्त पे नहीं आता तो आज पता नहीं क्या होता। बेवकूफ। थैंक यू। यहाँ क्यों आई है? मैं कौन हूँ ये जानते हो, लेकिन मैं क्यों आई हूँ ये नहीं जानते। तू जिससे बदला लेने के लिए तड़प रही है, मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तेरे खून की प्यास नहीं मिट रही, इसलिए तू अपना गुस्सा उतारने यहाँ आई है। अगर कोई मुझे मारने की सोचता है मैं तभी उसे नहीं डसती, लेकिन जिसने मेरी मां का सिंदूर मिटाया है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने अगर उन्हें मार डाला तो तेरा पति फिर से जिंदा हो जाएगा क्या? मैं जानती हूँ जिंदा तो नहीं होगा, लेकिन मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ उसका एहसास तो उन्हें होना चाहिए ना। भगवान के दिए हुए जीवन को खत्म करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। तू जिनकी रक्षा कर रहा है उन राक्षसों को इस बारे में पता क्यों नहीं है? जिंदगी शुरू होने से पहले जिंदगी को मिटाने वाले उन पापियों से बदला लेकर रहूंगी मैं। मेरी इस लड़ाई के बीच तेरा वो तावीज आ रहा है, उसे वापस ले ले। मदद मांगने के लिए जो आते हैं उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, और मेरे जीवन साथी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेना मेरा कर्तव्य है। जब तक वो तावीज उनके पास है तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों नहीं बिगाड़ सकती? मैं भी देखती हूँ कि वो तावीज उनके गले में कैसे रहेगा। क्या कर सकती हो तुम? एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है।
अपमान अपमान घोर अपमान है। क्या अपमान है गुरुदेव? उस नागिन ने आपसे जो बात की मैंने सुन लिया। वो कौन है? एक साधारण नागिन, और आप बहुत बड़े साधु हैं। आप चाहें तो पानी पर चल सकते हैं। पानी? समुद्र के पानी पर चल सकते हैं। उबलते ज्वालामुखी में ठंडक महसूस कर सकते हैं। आप शरीर परिवर्तन कर सकते हैं। शिव के महान भक्त हैं आप, और उसने आपका अपमान किया है। यह अनर्थ है गुरुदेव। अब देखिए मैं उसका क्या करता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बीम कहाँ है? बीम कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ये बीम बजाकर उसे आपके कदमों में ले आऊंगा गुरुदेव। इस बीम के सहारे तू सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कैसे वश में करना है मुझे पता है। कहीं मैं गुरु ना बन जाऊं, इसी बात से इन्हें जलन हो रही है। छिछी, ऐसा सोचकर मैं गद्दार बन जाऊंगा। गुरुदेव, मैं आपको अपने दिल से इज्जत देता हूँ। मैं इस बीन को बजाकर उस नागिन की गर्दन पकड़कर आपके पैरों में नहीं डाला तो मैं आपका शिष्य नहीं। कहीं वो नागिन यही ना जाए। इच्छाधारी नागिन, तू मेरे इस बीन के वश में आ जा। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला तो मार डालूंगा। नहीं आएगी तुझे अभी बताता हूं। मेरे हाथ लग गई तो मर जाएगी, इसी डर से वो नहीं आ रही है। वैसे जो डरता है उसको माफ करना अपनी आदत है। लेकिन उसने मेरे गुरुजी को साधारण कैसे समझा? मैं तेरे गुरु के सामने नहीं झुकी, और तू मुझे अपने वश में करने आया है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा। ए, रुक जाओ, एक अंधेरे को मार रहे हो। मुत्तू, तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू भी जो मत आ। ओ, तो ऐसी बात है। रुक जाओ। बेवकूफ लोगों, उसका परिवार बड़ा है इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। उसकी सहायता करने की बजाय तुम सब उसे मिलकर मार रहे हो। अगर वो मर गया तो उसके परिवार को तुम लोग खिलाओगे क्या? शाह, धिक्कार है तुम पर।
भाई भाई की तरह मिलकर रहने की बजाय आपस में दुश्मन की तरह लड़ रहे हो। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम सबकी खाल नोच लूंगा मैं, याद रखना। ए लड़की, तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी के सामने कूदना था, बात क्या है? अरे रुको रुको, रो क्यों रही हो? यहाँ किसी ने ऐसे देख लिया तो हर कोई मुझ पे शक करने लगेगा। आखिर बात क्या है बताओ। एक औरत के लिए उसका पति देवता होता है, अगर वो देवता मर जाने के लिए कहे तो मर जाना चाहिए। क्या गलती की है उसने? मैंने सोचा कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, लेकिन आज पता चला कि वो किसी और का भी है। अब बताइए मैं क्या करूँ भैया? भैया मेरे माता पिता भी नहीं है और इस अनाथ को पनाह देने के लिए कोई भाई भी नहीं है। मैं आपको सगा भाई मानती हूँ भैया, अगर मैं मर गई तो मेरा भाई होने के नाते मेरा क्रिया कर्म कर दीजिएगा। रुक जाओ, सुनो, मुझे भैया कहा है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हारा भाई हूँ तो उसे मेरे हाथों से भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ आखिर वो क्या करता है। चलो गाड़ी में बैठो जल्दी। आप कौन है? बताता हूं। हेलो, आप यहां क्यों आए हैं? मैं यहां पर यह देखने के लिए आया हूं कि तुम अमीर लोग आखिर जिंदगी जीते कैसे हो। बहुत बड़ा घर है तुम्हारा, इस घर में दो लोग होने चाहिए। जिससे शादी की है उसे घर से बाहर निकालकर तुमने बाजार में नाचने गाने वाली को घर के अंदर बिठा कर रखा है। What do you mean? तो किसे देखकर क्या बोल रहा है? वो मेरी बीवी है। तो फिर ये कौन है? तुम? अंदर आओ। आज यहाँ अकेली नहीं आई, इसके साथ इसका भाई आया है। इसके माँ बाप नहीं है तो ये सोचकर इसे निकालने की गलती मत करना, वरना तुम्हें यही जिंदा गाड़ दूंगा। रुक जा, जल्दबाजी मत करो। इसने जैसे मुझे बेवकूफ बनाया तुम्हें भी बना रही है। ये है मेरी बीवी। मैं इनकी बीवी हूँ। ये देखिए इनका पहनाया हुआ मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो मुझे भी पहनाया है। किसका मंगलसूत्र असली है मैं अभी बताता हूँ। खुद ही देख लो। हाँ? नो, इसने जरूर कोई साजिश की है। ये मेरी पत्नी नहीं है, ये नागिन है। आपने देखा ना भैया, ये मुझे नागिन कह रहे हैं। तुम यही रुको। क्यों रे, अपनी बीवी को नागिन कहता है और बाजार वाली को पत्नी कहता है? ये नहीं कह रहे भैया, इनके गले में जो ताबीज है वो कह रहा है। ताबीज? एक औरत के गले से मंगलसूत्र निकालने के लिए अपने गले में तूने ये ताबीज पहन लिया है? हाँ। निकाल इसे, निकाल। मूर्खता से आज एक परिवार को बर्बाद कर दिया, घोर अनर्थ हो गया। नहीं, क्या कहा? उसने धोखे से उसको मार डाला। हाँ स्वामी, अब हम और सहन नहीं कर सकते। क्या वो सबको मार देगी? इसका कोई अंत नहीं है क्या? फिक्र मत करो, उसे मैं किसी भी तरह वश में कर लूंगा। उसकी शक्ति बड़ी है या मेरी शक्ति बड़ी है ये मैं दिखाऊंगा। स्वामी जी,
आप ही हमारे लिए भगवान हैं। निश्चिंत होके जाओ। पंचांडी। गुरुदेव। किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है, होशियार। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शक्ति मेरी तपस्या को इस सांप ने चुनौती दी थी। लो इसे। ये क्या कर रहे हो? देख रहा था, अगर कल खो गई तो इसे ढूंढने में आसानी होगी। अगर तुमने इसे आजाद कर दिया तो बाकी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। संभल कर। दूसरों को छोड़ेगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मैं इसे कहां रखूं समझ में नहीं आ रहा है। इसे यहां रख देता हूं, मुझे ये मुसीबत बिल्कुल नहीं चाहिए। गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, चालाकी से इसे पकड़ लिया। नीचे कौन खरोच रहा है? अरे बाप रे, नीचे तो सांप है। कमल, जैसे डॉक्यूमेंट्स कहे थे बना दीजिए। जल्दबाजी मत करो, ये गलत है। क्या गलत है? इस कंपनी को मैंने बनाया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए नो डिस्कशन, जस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर। लेकिन सुनिए तो, सर तुम? हाँ सर, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया हूँ। क्या? मेरे गुरुदेव ने अपने मंत्र शक्ति से उस इच्छाधारी नागिन को पकड़कर पिटारे में बंद कर दिया। सच में? हाँ सर, मैंने ये बात आपको बताई, किसी को नहीं बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही सर? अरे इसके लिए आप मुझे कुछ पैसे तो दीजिए। कोई और बात होगी तो मैं फिर आकर बताऊंगा। सर चलता हूँ, नमस्ते। स्वामी जी, जो बात मैंने सुनी सच है। मेरे गुरुजी के आशीर्वाद, अपनी तपस्या और शक्ति से उस इच्छाधारी नागिन को अपने कैद में कर लिया है। अब आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वामी, उसे मेरे हवाले कर दीजिए ना। क्यों? तभी हम लोग चैन से रह पाएंगे स्वामी। उसे पाके तुम लोग क्या करोगे? हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। उसे कैद में करना मैं पाप समझ रहा हूँ। मैं उसे मारने की आज्ञा नहीं दे सकता। स्वामी जी, आप जितना कहोगे उतना पैसे दूंगा। कितना पैसे दोगे तुम मुझे? 10,000 स्वामी। आप हंस क्यों रहे हैं स्वामी जी? मतलब तुम्हारे जान की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए है क्या? 50,000 दूंगा। चाहे तू 50,00,000 रुपए दे, मैं अपने देवता को कभी नहीं बेचूंगा। चलो बाहर निकलो। स्वामी जी।
जीसस जूली 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 जूली। ए कमल, जब तक वो नागिन जिंदा है ना, हम लोग सपने में भी चैन से नहीं रह सकते। उसे किसी भी तरह से पकड़कर मार डालना होगा। ये कैसे हो सकता है? उस स्वामी के सामने मैं कितना गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। हे, उस स्वामी के शिष्य को लालच देंगे तो हमारा काम जरूर हो जाएगा। तू क्या सोच रहा है और ऐसे खामोश क्यों बैठा है? सांप के बारे में रिसर्च कर रहा है ना। सांप को मारेंगे तो पाप लगेगा, यही सोच रहे हो ना कमल? मैं सांप के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, स्वामी के बारे में सोच रहा हूँ। खुद को बचाने के लिए जो करने वाले हैं, अगर उसके खिलाफ गया तो? तू इन सब के बारे में मत सोच। देखो भाई, बिना किसी को कानो कान खबर लगे मैं इस काम को खत्म करके दिखाता हूँ। ओके, फिर क्या सोच रहा है? कम ऑन, मेरी बात सुनिए सर। सपने में पैसा दिखे तो दौलत चली जाती है, सांप दिखे तो जान चली जाती है, और आप बार बार सांप का सपना देख रहे हैं। ओह माय गॉड, जब तक वो सांप जिंदा है सर, तब तक आपकी जान को खतरा है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि सांप लाके हमें दे दो। वो क्या खूंटी पर लटका कर रखा हुआ है? अरे उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है सर, बिना लाठी के बंदर नाच सकता है क्या? तुम क्या कह रहा हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे गुरुदेव नाग की पूजा करते हैं, मैं लक्ष्मी की पूजा करता हूँ, वो नाग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं धन के लिए हाथ पर ध्यान दो फिर कुछ भी करूंगा। जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। अभी तो आप लोग 30,000 दे दीजिए। व्हाट, 30,000 रुपए? अरे सर, एक सर की कीमत 10,000, इस हिसाब से 30,000 हुए ना। सीजन के हिसाब से धंधा चलता है, पसंद है तो हाँ बोलो, नहीं तो छोड़ो। अब बताइए, पैसा देंगे या अपनी जान देंगे? ओके, देता हूँ। फिर मैं आपको सांप देता हूँ। कब? आज रात को मैं आपको सांप ला कर दूंगा। पुचांडी। गुरुदेव। मेरे पैर दबाओ। क्या हुआ, पैसे लेके कब के गए और सांप लाने में इतनी देरी? गुरुदेव के सोने के बाद ही लेकर आ सकता था ना। सुनिए, कहे मुताबिक मैं आपको सांप लाकर दे रहा हूँ। एक बात और, गुरुदेव को यह पता नहीं चलना चाहिए, यह ढसता है वो काटते हैं। ठीक है, ला दे। रुक जाओ। क्या हुआ, मेरे निशाने पर भरोसा नहीं है क्या? कभी था लेकिन आज बिल्कुल नहीं है। ए मैं, ये क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम लोग खड़े होकर के बहस कर रहे हो, अभी तुम लोग मारोगे या फिर मैं ही मार दूं? ए श्री, उसे नीचे रख, मैं उस जहरीले सांप को अपने हाथों से मारूंगा। है ये सब पूछ के अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी बहन झगड़कर मायके चली गई है। यहाँ तो नहीं आई? जैसे वो आए उसे वापस भेजना, नहीं तो डिवोर्स का नोटिस तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। मीना, तुम्हें ये सब सही लग रहा है क्या? पति से झगड़ा करने के बाद मायके आ जाना एक बीवी के लिए सही है क्या? मैं उनसे कोई हीरे मोती थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैंने बस उनसे इतना कहा था कि आधी रात के बजाय घर पे टाइम पे आ करें। देखो मीना, तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारा पति पत्रकार है, रात ही उसकी दुनिया होती है। ये सब जानते हुए तुमने उससे प्यार किया और उसे शादी की थी। वो गलत है, मैं जानती हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मीना, शादीशुदा औरत के लिए मायका धर्मशाला जैसा होता है, 2-4 दिन रह सकते हैं मगर हमेशा के लिए नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। मतलब? तुम्हें अपने पति के घर जाने के लिए कह रहा हूँ। जाती हूँ मैं, जो पति मुझे ठीक से समझता ही नहीं मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, बल्कि जो माँ मुझे बहुत प्यार करती है मैं उसके घर जाऊंगी। मीना! अच्छा, जब देखो तब बस मुझे ही सलाह देते रहते हो। मेरी बहन भी एक लड़की है, उसके भी कुछ अरमान है, कभी
कभी इस बारे में सोचा है आपने? कभी उन्हें भी तो समझाने की कोशिश कीजिए। मीना मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब वो अपनी गलती मान लेंगे मैं उनके पास चली जाऊंगी, तब तक आप मुझे समझाइए मत। आओ आओ, क्या हुआ? तेरी बहन फिर से झगड़ा करके यहाँ आ गई है क्या? हाँ यार, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके चली आती है। कुछ कहो तो कहती है, माँ जिंदा होती तो ये सब नहीं होता, और आंसू बहाना शुरू कर देती है। हम यहाँ सांप के टेंशन में हैं कि पता नहीं कब किस तरह की मुसीबत हम पर आ जाए। ये हमारी स्थिति के बारे में जरा भी समझती है क्या? ये औरतें ऐसी होती हैं, छोटी बातों को बड़ा कर देती है। यू डोंट वरी, मैं मार्टिन से मिलूंगा, उसे कन्विंस करूंगा, वो कल खुद आकर अपनी बीवी को ले जाएगा। मैं अभी जाकर मार्टिन से मिलता हूँ। तो इसलिए अपनी बीवी को यहाँ से भगाया है? अरे कौन आ गया? अरे इतना जोर से बेल क्यों बजा रहे हो? आ रहा हूँ, कौन आ गया परेशान करने के लिए? हेलो, ऐसे अजीब से क्यों देख रहे हो? वैसे क्या काम है आपको? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? शायद मुझे इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आने का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन आपके आने का और उनके जाने का वक्त एक ही हो गया। क्या है ये सब? कुछ चीजें आदमी रोक नहीं पाता। मेरी बीवी पूछ रही थी कि हॉल का दरवाजा बंद किया, बेडरूम का दरवाजा बंद करना काफी नहीं होता है। अभी जाके मुझे उसकी बात समझ में आई, इस बेल को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। तो पढ़ा लिखा तो है ना? हाँ, बीकॉम, लेकिन उसका इससे क्या संबंध है? क्या संबंध है? तुझे खुद समझ में नहीं आता ये विश्वासघात क्यों कर रहा है? विश्वासघात? देखिए, शहर में सबकी अपनी अपनी हेलो, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली? अपनी बीवी को भगा दिया और गैर औरत के साथ रंगरेलिया मना रहा है? वो थी इसलिए चली गई, मैं होता तो तेरा खून कर देता। भैया। मीना। हाँ भैया, मैंने इनके हिसाब से चलने का फैसला कर लिया है। अब मैं इन पर कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी और बार बार इनसे झगड़ कर अपने भैया के घर भी नहीं जाऊंगी। सेटिस्फाइड? तो वहाँ पर My God! Hello? Stephen speaking. ए, तेरी बहन तो यहाँ पर है। तो इधर कौन है? नागरानी। तुमसे बदला लेने आई हूँ। तुम लोगों ने सोचा कि मुझे मिटा कर तुम लोग चैन से रहोगे, पर मैं जिंदा हूँ। तोते के साथ तेरी बेटी खेल रही थी ना, अब मैं उसकी जिंदगी के साथ खेलूंगी। अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो ऊपर आ जा। मेहरबानी करके बच्ची को मत काटना, मेरी बेटी को मत मारो। अगर ऐसा है तो अपने गले से ताबीज उतार दे, नहीं तो तेरी बेटी को तेरे दोस्तों के पास इसी वक्त पहुंचा दूंगी। जल्दी उतार। कमल, वो नागिन अपना बदला लेकर ही मानी, अपनी जान देकर इसकी जान को बचाया मैंने, अब इसे तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। मेरी बेटी को बचा लेना, प्लीज प्लीज, प्रॉमिस मी। श्री 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 अब चले यहां से। हाँ,
चौंक क्यों रहा है? जिसे चलकर राख हो जाना चाहिए था, तेरे सामने जिंदा खड़ी है इसीलिए। सही कहा, लेकिन तू जिंदा कैसे बच गई? बेवकूफ, यम की जान को इंसान ले सकता है क्या? मैं तुम्हारी यमराज हूँ। तुम दूसरों के लिए यमराज हो सकती हो, तुम्हारे लिए मैं यमराज हूँ। मैं तेरे हाथों से मरने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम सबकी अस्थियां लेकर अपने पति से स्वर्ग में मिलने जाऊंगी, ऐसी शपथ ली है मैंने। और जब तक मेरी शपथ पूरी नहीं होती, कोई शैतान मुझे मार नहीं सकता। अब अगला नंबर तेरा है। ए विजी, हम लोगों की जान उस नागिन के पास और उस नागिन की जान तुम्हारे पास। अगर तुझे मार दिया तो समझो उस नागिन को मार डाला। हे विजी, तू क्या पागल हो गया? उस दिन मैंने तुझसे कहा था ना कि एक दिन दुनिया तुझे पागल बुलाएगी, और इसीलिए तूने आज हम सबको पागल बना दिया, कमीने। ए विजय, क्यों सिर्फ तू बचना चाहता है क्या? हम सबको नागिन का शिकार बना के तू हम सबका हिस्सा खुद हड़पना चाहता है, इसलिए तूने उसे बचाया। What nonsense! तू जब वकील से बातें कर रहा था तो मैंने सब सुना। दोस्त होने के बावजूद तूने चार दोस्तों को बेरहमी से मार डाला, धोखेबाज। Stop it! विजी, तूने अब तक मुझे समझा ही नहीं। मैं उस नागिन के जहर से मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दोस्त के शक करने के बाद एक सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। Come on! ये ले, पढ़कर देख इसे। सारी जायदाद अपने नाम करनी होती तो इतने कागजात की जरूरत नहीं पड़ती। तूने जो पाप किया उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से क्या होगा? दिन हो या अंधेरा, ये देखने से ही पता चलता है। मैंने जो किया वो पाप है या पुण्य, ये पढ़कर देख ले। पढ़ इसे, पढ़ना। कमल, तूने कहा था पैसे के लिए अपने साथी को मार दिया, अब ये पेपर्स क्या कह रहे हैं? गद्दार कह रहे हैं या पापी? कमल, ए, इस कंपनी को बनाने वाला तू ही है। तूने अपने नाम पे कुछ नहीं रखा, सब कुछ मरने वालों के परिवार के नाम पे कर दिया। मेरे वश में होता तो उनकी मौत को अपने गले लगा लेता, पर ऐसा हो नहीं सका। आई एम सॉरी कमल, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया है, तेरे जैसे दोस्त पे मैंने शक किया यार। कोई बात नहीं यार, रियली यू आर ग्रेट। कहीं आप दोनों के बीच हाथापाई न हो जाए, इस बात से डर रही थी। वो हमेशा ऐसे ही घोड़े पर सवार रहता है, अब देखो ना किसी ने उसको हमारे खिलाफ भड़का दिया है। अंकल ये देखिए। ए, ये किसका है? जब विजय अंकल ने मुझे उठाया था तो मैंने उनके गले से ये निकाल लिया। माय गॉड, कौन हो, कौन हो तुम? क्यों, आपको उम्मीद नहीं थी ना? मैं तो अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जानता था तुम जरूर आओगी। सच कह रहे हैं? ये क्या, बंदूक से तो दुश्मनों का स्वागत करते हैं, और आप होने वाली बीवी का कर रहे हैं? हाँ? होने वाली बीवी? क्यों, ऐसे अचानक आ गई इसलिए नाराज है? आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए। सलीम की बीवी, जय की बीवी, रवि की माँ, स्टीव की बच्ची, उन सबको शौक दिया, इतना काफी नहीं था क्या? अच्छा आप समझी, उनकी मौत पर नहीं आई इसीलिए गुस्सा है ना? बार बार अमेरिका से आना जाना नहीं हो सकता ना, वैसे भी मेरे आने से क्या हो जाता, जाने वाला लौट कर तो नहीं आएगा ना? यस यस यू आर राइट, जो चले गए उनके बारे में सोच के क्या फायदा,
अभी जो है उसके बारे में सोचना होगा। विजय, यहाँ आने के बाद मैं मम्मी पापा से भी नहीं मिली हूँ, सीधा तुमसे ही मिलने चली आई। हाँ हाँ, अभी तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पे ही है, ये बात मुझे अच्छे तरह से पता है। कैसा लगा? लवली, तुमने रोक क्यों दिया? ऐसा लग रहा है कि नाचने लग जाऊं। यस यस, कंटिन्यू। दिमाग खराब हो गया? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें फांसी हो जाती। किसी सांप को मारने से फांसी की सजा किसी भी कानून में नहीं लिखी है। सांप? हाँ, ये इच्छाधारी नागिन है, उषा के रूप में सामने आई है। तू इतना डर गया है कि जिसको देखता है तुझे नागिन ही दिखाई देती। तो ये बात है, तो मुझे नागिन समझ कर ऐसा बिहेव कर रहे थे? हाँ। अच्छा हुआ कमल आ गया, वरना अब तक चैप्टर क्लोज हो गया होता। तुझे मैंने नहीं बचाया है, बल्कि इस तावीज ने बचाया। सुनो, बेवकूफ की तरह अब दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। तुम इसे अपने हाथों से बांधो, बांधना गले में चाहिए, पर मुसीबत है ये सब नहीं देखते। I'm sorry. क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ, कुछ तो शर्म करो। अब तू जाएगा? ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी, आता हूँ। एक मिनट, मैं ऊपर जाकर आती हूँ। उषा, क्या हुआ? कुछ नहीं, पैर फिसल गया। मैं आऊं क्या? आहा, नहीं नहीं। क्या हुआ उषा, पैर में चोट लगी है क्या? नहीं नहीं। जरा दिखाओ। क्या हुआ, मुझे तुम्हारा पैर छूने का अधिकार नहीं है क्या? आपको मेरी परछाई को भी छूने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक हमारी शादी नहीं हुई है। क्या उषा, फॉरेन में पढ़ लिख के भी इस तरह के विचार रखती हो? मैं भले ही फॉरेन में पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरा संस्कार इंडियन है। आई सी, अभी तुझे रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उषा,
कुछ गलत हो जाएगा ये सोच के डर लग रहा है। अगर हो भी गया तो क्या हुआ, हम तो शादी करने ही वाले हैं। तो तुम भी तो शादी तक इंतजार कर सकते हो ना। ओ, ओ, मेरे दोस्त के साथ जो हादसा हुआ वो मेरे साथ भी होगा ये सोच के डर रही हो क्या? ये साधारण तावीज नहीं है, ये भगवान का दूसरा रूप है। मैं अभी से साक्षी मानकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी शादी करोगे? यस, कम ऑन। उषा, अग्नि भी यही है और अक्षत भी यही है। हमें आशीर्वाद देने वाले रिश्तेदार और गांव वाले सब कुछ यही है। इसे ही साक्षी मानकर हम फेरे लेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? मेरी इच्छा तुम इतनी जल्दी पूरा कर दोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो अब मेरी इच्छा पूरी करने के लिए रोकोगी नहीं ना? बिल्कुल नहीं रोकूंगी। आहा, उसे मत उठाओ। क्यों? अपने बेडरूम में बीवी को लेकर जाते हैं, भगवान को नहीं। आखिर इस तावीज को हमने भगवान जो माना है। सॉरी। चलो। तेरे तो सिर्फ होंठ जल रहे हैं, मेरा तो मन जल रहा है। उषा, ये जलन मुझे सिर्फ आज से नहीं, जिस दिन से तुम लोगों ने मेरे पति को मारा था उस दिन से ही शुरू हो गई थी। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे छिन गया, हर पल मैं तड़प तड़प के जी रही हूँ। तू है क्या? हाँ मैं हूँ। पीछे, 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 पीछे क्या हो गया तुम्हें? पीछे, पीछे। लता, अब तक मेरे पांच दोस्तों को एक एक करके उस नागिन ने मार दिया है। मैं हर पल मौत के करीब जा रहा हूँ। औरत की शान उसके धन दौलत से नहीं, उसके सुहागन बने रहने से है। कमल, मैं तुम्हारी ये शान मिटाना नहीं चाहता। मौत के मुंह पर खड़े इंसान के लिए खुशियों की बलि मत दो। कमल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम यमराज से लड़कर पति की जान वापस लाने वाली सावित्री हो सकती हो, लेकिन मैं सत्यवान नहीं हूं। लता, तुम मुझे भूलकर किसी और से शादी कर लेना। कमल, ये क्या कह रहे हो? जिससे प्यार नहीं करती उससे शादी करके जिंदगी भर सुहागन रहने से तो अच्छा है कि जिससे प्यार करती उससे शादी करके भले ही मैं बाद में विधवा हो जाऊं। ए, लता। अगर वो नागिन हमारे खुशियों की दुश्मन है तो हम उसकी नजरों से दूर चले जाएंगे। चलो कहीं चलते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। लता। कमल, हमारी खुशियों के लिए नहीं लेकिन जिस बच्ची की जिम्मेदारी हम पर है उस बच्ची की खुशियों के लिए चलो कहीं चले जाते हैं, प्लीज। ओके, ओके। लता, ये सब क्या है? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, उस बच्ची जूली को लेकर हम बॉम्बे जा रहे हैं। पर ऐसे अचानक? वो नागिन एक के बाद एक सबसे बदला ले रही है। अब अगर उसने इस बच्ची को भी मार दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सोचती हूँ बाद में उस बच्ची के भविष्य का क्या होगा। मेरे लिए ना सही लेकिन जूली के लिए उस नागिन की नजरों से छिपकर हमें जीना होगा, इसलिए इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा फैसला लिया है। देखो घंटी बज रही है, मतलब अच्छा शगुन है। कम इन। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये जानने से अच्छा मैं किस लिए आई हूँ ये जानना बेहतर होगा। और वो क्यों? अपनी इच्छा पूरी करने। इच्छा? जी हाँ, बच्चे को वजह बनाकर
जो मुझसे शादी करने वाला था तुम उसे छीन कर ले जा रही हो। उसे रोकने आई हूँ। ये क्या बकवास है? बकवास तो एक जुबान वाला करता है, मेरी तो दो जुबानें हैं। कौन है तू? सब लोग मुझे देखकर कहते हैं क्या है ये, और तुम पूछ रही हो कौन हूँ मैं। तुम कर भी क्या सकती हो, तुम जिस कमल से शादी करने वाली हो मैं उसकी प्रेमिका हूँ। प्रेमिका? हाँ प्रेमिका। इस तस्वीर का हाथ भी मत लगाना। यू आर राइट, जब मैं उसके दिल में बसी हूँ तो इस तस्वीर की क्या जरूरत। शट अप। कमल मेरे अलावा अपने दिल में किसी और को जगह कभी नहीं दे सकता। तुम्हें देखकर मुझे तरस आ रहा है। इस जमाने के मर्द अपनी पत्नी होने के बाद भी छिपाते हैं, तो प्रेमिका के बारे में थोड़ी बताएंगे। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। नॉनसेंस। मैं सेंस की बातें ही कर रही हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी एक लड़की हूँ। एक सांप ही एक सांप को अच्छी तरह से जान सकता है। So, मैंने फैसला कर लिया है कि हम दोनों ही उससे शादी कर लेंगे। Shut up! Okay. तुम दिन को रख लो और मुझे रात को दे दो, क्योंकि उसके बिना मुझे रात को नींद नहीं आती। क्या कहा तूने? हेलो, लता की दीदी बोल रही हूँ। वो नागिन आकर लता के साथ झगड़ा करके अपने रूप में आ गई। What? और उसे देखकर लता बेहोश हो गई। मैं अभी आता हूँ। देखो ना, जैसे अनजान इंसान को देखकर भौंकते हैं, वैसे ही ये कुत्ता मुझे देखकर भौंक रहा है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है, इतनी जल्दी आ गई? क्या रोमांस करने की बड़ी जल्दी है? हाँ जी, क्या है कि बहुत दिनों से मेरा एक सपना था कि हम दोनों कहीं अकेले में मिले और मेरे मन के अरमान पूरे हों। लगता है वही मौका आज मुझे मिल गया है। ओके, इसके लिए मैं तैयार हूँ। लेट्स गो। यहाँ क्यों रोक दी? अगर हम लोग उस तरफ चले गए ना, तो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे भी तो इसी का इंतजार था। चलो चलते हैं। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम बहुत भाग्यशाली हो। शायद अब तक जिंदा हूं इसलिए, उस भगवान की कृपा से। ओह, जब आप गरीब होते हो तो मैं उस भगवान को भी भूल जाती हूँ। अभी तो तुम भगवान को भूलियो, हो सकता है कि कुछ देर बाद दुनिया को ही भूल जाओ। कहा था ना कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। हम इतनी खूबसूरत जगह आने वाले हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत जल्द मेरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ मैं। कहाँ जा रही हो?
भावुक मत हो, नीचे गिर जाओ। छोड़ो ना, छोड़ो ना। छोड़ने के लिए इतनी दूर तक थोड़ी लाया हूँ। स्वामी जी, क्यों इसे वापस क्यों लौटा रहे हो? तबीयत ठीक हो जाए तो दवा की जरूरत नहीं होती। क्या बोल रहे हो तुम? मैं उस नागिन के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, अगर मैंने पहले ऐसा कर दिया होता तो शायद मेरे दोस्त मौत के मुंह में जाने से बच जाते। बेटा, मृत्यु और जीवन इंसानों के हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मौत को थोड़ी देर के लिए टाल सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। स्वामी जी, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, रख लीजिए। इसे मैं वापस नहीं ले सकता। इसे तुम अपने सर पे घुमा के समुद्र में फेंक सकते हो। ठीक है। तुम यहाँ क्यों? जिसे पिटारे में बंद किया था वो बाहर कैसे आ गई, ये देखकर आश्चर्य हो रहा है। मैंने कहा था ना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तकदीर के अलावा मुझे कोई भी चालाकी से नहीं मार सकता। तुम अभी यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा जो ओम मंत्र का तावीज है उसे वापस लौटाने के लिए आई हूँ, और इस खेल में मेरी जीत हुई है ये बताने आई हूँ। क्या? हाँ, मेरे दिल में जो बदले की आग जल रही है वो तेरे मंत्र शक्ति से भरे हुए तावीज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये साबित करने आई हूँ। 5 लोगों से मैं बदला ले चुकी हूँ, एक जो बचा है उसे भी मिटाने वाली हूँ, यही खबर देने आई हूँ। नहीं, उस बेकसूर को मैं मारने नहीं दूंगा। किसे बेकसूर कह रहे हो? हमने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, उसने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया, वो बेकसूर है? नहीं, दो प्रेमियों को जुदा करने का घोर पाप किया है उसने। वो पापी नहीं है। एक जान के बदले तू 5 जान ले चुकी है, और जान नहीं लेने दूंगा तुझे। चल जा। अब तक मैंने जो किया वो खून नहीं, अपने प्यार के लिए किया हुआ युद्ध है। उस युद्ध में मरने वालों की गिनती मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं अपनी कसम पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हारी पूजा की है, इसलिए मेरी मौत का बदला तुम उससे लोगे। तुम ये काम करोगे? मुझे वचन दो, वचन दो मुझे। उस नागिन को मिटा दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जाओ, जाओ। हेलो, कमल बोल रहा हूँ। एक गुड न्यूज है, मैंने उस नागिन को मार डाला। सच में? कैसे मारा? ये इंटरेस्टिंग न्यूज है, फोन पे नहीं बता सकता, मिलकर बताऊंगा। लता, क्या हुआ लता? तुमने बताना
जिस नागिन को तुमने मार दिया? वो नागिन? वो नागिन वहां पर है। अब मुझे चैन मिला। आखिर में उसकी कहानी खत्म हो गई। कमल, जाने का सारा इंतजाम कर लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ खास नहीं, मुझ पर जो तुम्हारा प्यार है और मुझे पाने की तुम्हारी जल्दबाजी, यही सोच रहा था। और नहीं तो क्या, इतने सालों से इसी पल का तो इंतजार था। ये क्या कर रहे हो तुम तो यहीं पर? कुछ नहीं, कुछ तो होगा। मांग का सिंदूर मिटाने वालों में से अब तू ही बचा है। तुझे मार दूंगी तो मेरे पति की आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी मौत तुम्हारे हाथों में नहीं, उस भगवान के हाथों में। भगवान के हाथों में है या मेरे, वो तो अभी पता चल जाएगा। जिंदा चाहिए तो बंदूक नीचे फेंक दे। बंदूक नीचे फेंक दे। Thank you.
देखो, मेरा प्रेमी मुझे बुला रहा है। वो जहाँ है मैं भी वहीं जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, अपने प्रेमी को खोने के बाद मैंने पता नहीं कितने लोगों की जान ले ली। मेरे बदले की आग बुझाने के लिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। वहां देखो, मेरा प्रेमी मुझे बुला रहा है, मैं उसी के पास जा रही हूँ।